शिवपुरी आरटीओ कार्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार से गिर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बेरोजगारों को कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की नीति बनाई है, लेकिन शिवपुरी आरटीओ श्रीमती मधु सिंह द्वारा बेरोजगारों से खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं। पूरा आरटीओ कार्यालय दलाल चला रहे हैं। हर कार्य की रेट फिक्स हो चुकी है। दलालों के माध्यम से आरटीओ श्रीमती मधु सिंह द्वारा 3,000 से 3,500 रुपए लिए जा रहे हैं। इस प्रकार शिवपुरी आरटीओ द्वारा बेरोजगारों से लाखों रुपए की वसूली खुलेआम की जा रही है। मेरा नाम विजय सिंह गोलिया खतौरा। यहाँ क्या ड्राइवर लाइसेंस बनवा रहे हैं? जी, ड्राइविंग लाइसेंस। कितने पैसे मांग रहे हैं? अभी मेरा 2,500 रुपये में पूरा बात हुआ है, लर्निंग कच्चा वाला। हाँ, अभी हम लर्निंग देंगे आज, उसके बाद फिर 22 तारीख के बाद जो है फिर पक्का देंगे। एक और फोटो खींचने की। अच्छा जी, अभी 500 रुपये जमा किए, इसके बाद 500 और करवा रहे हैं अभी, उसके बाद फिर सीधा 1,800 और देना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? विजय सिंह गोलिया खतौरा से। खतौरा से आप? कब से आप चक्कर काट रहे हैं आरटीओ कार्यालय? मैं 1 तारीख को ही आया था, उसके पहले 2 दिन और घूमा था बस। अच्छा, आपसे कितने मांगे जा रहे हैं ड्राइवर लाइसेंस? 2,800 रुपये के 3,500 रुपये मांगे जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? किशन यादव। किशन यादव, कहाँ के रहने वाले? सरकड़ी। सरकड़ी आए, कब से चक्कर काट रहे हैं आप? 10 दिन 15 दिन। अच्छा, कोई 2,800 रुपये ले रहा है? हाँ, किसने मांगे? दलाल ने? दलाल लाइसेंस बना रहे हैं, उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अरे कहीं नहीं।